मिलकर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। हमारे महेश जी बढ़ाएंगे और लोग बढ़ाएंगे, हमारे सांसद जी बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, इस बार का चुनाव देश और प्रदेश के साथ साथ भारत को एक विश्व शक्ति बनाने की ओर, भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराने के लिए और विकसित भारत का जो संकल्प है, दुनिया का सिरमौर भारत का जो संकल्प है कि यानी कि पूरी दुनिया हमारे पीछे चले, हम आगे आगे चले, ऐसा भारत बनाने का संकल्प लेकर मोदी जी जो आगे बढ़ रहे हैं, उस संकल्प पूरा करने में हम सबको भी अपना योगदान देना है। मेरी माताओं बहनों को योगदान देना है और 100% मतदान करना है, तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाना है मोदी जी को। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। कोई भी सर्वे होता है, कोई भी रेटिंग आती है, तो एक तरफ मोदी जी 75% से ज्यादा रेटिंग पर होते हैं और दुनिया के सारे नेता 25% की रेटिंग पर होते हैं। ये देश के आजादी के बाद पहला ये अवसर आया है कि हमको ऐसे नेता मिले हैं। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत परम वैभव की ओर बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता प्राप्ति करने के लिए काम नहीं करती है, बल्कि एक लक्ष्य और विचार के लिए काम करती है। ये सत्ता, ये सरकारें, ये सेवा का माध्यम होती है और विकसित भारत को परम वैभव पर पहुंचाकर पुनः विश्वगुरु बनाना, ये भाजपा का लक्ष्य है, भाजपा का संकल्प है। जब से देश आजाद हुआ है तब से ये संकल्प लगातार आगे बढ़ रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एक नए भारत की नींव रखी जा रही है, एक मजबूत फाउंडेशन बनाया जा रहा है, एक बुनियाद रखी जा रही है, ऐसी नींव जिसमें नया आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, ऐसी नींव जिसमें हर वर्ग का विकास सुनिश्चित हो रहा है, ऐसी नींव जिसमें भारत पुनः विश्व गुरु बनने के लिए प्रयत्न कर रहा है, ऐसी नींव जिसमें हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, ऐसी नींव जिसने देश में नागरिकता संशोधन कानून अर्थात CAA लागू किया गया हो, ऐसी नींव जिसमें कश्मीर के अंदर धारा 370 खात्मा करने के साथ ही मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति मिली हो, ऐसी नींव जिसमें हम सबके आराध्य देव, हम सबके दिल में मन में कभी कोई संकट आता हो, कोई परेशानी आती हो तो हमारे मुंह से निकलता है हे राम राम राम। कभी भी हम संकट में होते हैं तो क्या निकलता है हमारे मुंह से? राम राम निकलता है ना, हे राम। ऐसे राम जिनका नाम लेते ही हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे आराध्य देव भगवान राम का भी मंदिर बनाने का काम, उसके भव्य मंदिर का उद्घाटन किया गया तथा अन्य जो हमारे देश के अंदर पौराणिक मंदिर है उनका जीर्णोद्धार किया गया, ऐसी नींव जिसमें हमारी सेना सशक्त और शक्तिशाली बन रही है, दुश्मन अगर हमारी ओर आग उठाकर देखता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना करती है, ऐसा नींव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रखी जा रही है। ऐसी नींव जिसमें हर एक को स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है, 5 लाख रुपए तक का इलाज मिल रहा है, ऐसी नींव जिसमें अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को पुनः गौरव प्रशस्त करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया है। उसने देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बदलने का काम किया है। पहले देश के अंदर केवल राजनीति होती थी बरगलाने की, वोट बैंक की, आज विकास आधारित राजनीति हो रही है। देश के अंदर एक नया युग लाने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, देश के अंदर फिर से सालों के बाद कभी भगवान त्रेता युग में पैदा हुए, बीच में द्वापर आ गया, द्वापर के बाद कलयुग आ गया और कलयुग के भी 5126 वर्ष पूरे हो गए। इतने वर्षों के बाद फिर से देश के अंदर राम युग लाने का काम भी किसी ने किया है तो भारत माँ के लाल राम भक्त और राष्ट्र भक्त नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज लोग जाति, पंथ, क्षेत्र, मजहब से उठकर केवल और केवल
विकास के लिए अपना वोट देते हैं। मैं भी आज आप सब लोगों से अपील